नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 30 Pro वर्सेस Ulefone Armor X5 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Narzo 30 Pro में 6.39 इंच जबकि Ulefone Armor X5 Pro में 6.22 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Narzo 30 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Narzo 30 Pro में 2.96 इंच जबकि Ulefone Armor X5 Pro में 3.05 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Narzo 30 Pro में 0.36 इंच जबकि Ulefone Armor X5 Pro में 0.55 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Narzo 30 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Narzo 30 Pro में 194 ग्राम जबकि Ulefone Armor X5 Pro में 235 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Narzo 30 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Narzo 30 Pro में 20:9 जबकि Ulefone Armor X5 Pro में 18:9 देखने को मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Narzo 30 Pro में 6.5 इंचेस जबकि Ulefone Armor X5 Pro में 5.5 इंचेस की साइज देखने को मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Narzo 30 Pro में 1080x2400 और Ulefone Armor X5 Pro में 720x1440 देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Narzo 30 Pro में 83.74% जबकि Ulefone Armor X5 Pro में 63.75% देखने को मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Narzo 30 Pro में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Ulefone Armor X5 Pro में 293 पिक्सेल प्रति इंच देखने को मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Narzo 30 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Ulefone Armor X5 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Narzo 30 Pro में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Ulefone Armor X5 Pro की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Narzo 30 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Ulefone Armor X5 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Narzo 30 Pro में Mali G57 MC3 जबकि Ulefone Armor X5 Pro में Power GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Narzo 30 Pro में MediaTek Dimensity 800 UMT6873V और Ulefone Armor X5 Pro में MediaTek Helio P22 मिलता है। बात करें RAM की तो Narzo 30 Pro में 8GB जबकि Ulefone Armor X5 Pro में 4GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Narzo 30 Pro में 128GB जबकि Ulefone Armor X5 Pro में 64GB देखने को मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10Q देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Narzo 30 Pro में 2 कलर्स जबकि Ulefone Armor X5 Pro में 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नाजो 30 प्रो की 18,999 रुपीस जबकि उलेफोन आर्मर एक्स 5 प्रो की 20,750 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है जो कि नाजो 30 प्रो से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में नाजो 30 प्रो आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में नाजो 30 प्रो आगे है। इंटरनल मेमोरी में नाजो 30 प्रो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X7 है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme नाजो 30 प्रो है जो कि 14,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 8 प्रो है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 10i 8GB RAM है जो कि 23,978 रुपए में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।